कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं घर बैठे सोया हूँ और समाज को अकेले लड़नी पड़ी हो, आप बताओ पिछले 10 साल। तो भाई आप भी तय करो कि आपको ऐसा नेता चाहिए जिसका मुंह सिलावा हो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो सीबीआई इनकम टैक्स के डर से अपने समाज पे होने वाले अन्याय के खिलाफ भी ना बोले, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़े और जहां आपका पसीना पड़े वहां खून देने का काम करे। आपको तय करना पड़ेगा मेरे लोगों। मैं तो पहाड़ जैसा हौसला लेके आया हूं, पहाड़ जैसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ाई को लड़ने से नहीं रोक सकती है मेरे लोगों, याद रखना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, मैं मानवर काशीराम साहब का बेटा हूं। चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता कभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा भी संघर्ष आपसे कुछ मांगता होगा, मेरा भी संघर्ष मेरी माँ बहनों से कुछ उम्मीद रखता होगा। जब जो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ पैसे की और चुनाव की रिश्तेदारी आपसे रखते हैं, जब आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरे हाथ मजबूत करने में क्या बुराई है बताओ। कब तक आप लोग इन लोगों पे भरोसा करते रहोगे? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं पढ़े लिखे, क्या आपको अपने फोन पे भरोसा नहीं है क्या? तो है तो फिर ये बताओ, अमीरों का साथ दोगी या अपने भाई का? बताओ, ये अमीर नहीं मिलेंगे चुनाव के बाद, ये किया आपका गरीब भाई आपके साथ खड़ा रहेगा और जहां अन्याय प्रचार होगा। हाल तो याद रखो, जैसे जैसे मैं ताकतवर होता जाऊंगा हमारा संगठन ताकतवर होता जाएगा, आपकी तरफ आग उठाने वाला एक एक हजार बार सोचने लग जाएगा कि वो गलती ना कर बैठे, क्योंकि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हाँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना कि देश में हमारा राज आए, हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, उसको मैं पूरा करना जरूर चाहूंगा। जब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, गरीब पिछड़े वर्ग के लगे लड़के मेहनत मजदूरी करेंगे, किसी का तसला उठाए, किसी खेत में काम करेंगे, किसान कमेरे पे ला दे, अगर आर्मी में चली जाती तो इन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अगर हमारे वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी काम करने लगे तो इन्होंने वहां भी ठेकेदारी लाकर घुसेड़ दी कि ये पैसे वाले ना हो पाए, पूरे दिन सफाई करें और फिर 5-6 हजार रुपए में अपने बच्चों का पेट भी ना पाल पाए। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं आपके अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा, मुझे आप बताओ। भाई कानून सड़कों में नहीं बनते, सभाओं में नहीं बनते, कानून विधानसभा और लोकसभाओं में बनते हैं, और कानून लगाने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति उनके पास होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं पिछले 10 साल से दिन रात एक करके गली गली घूम के पूरे देश में, और मेरे साथियों द्वारा जहां भी अन्याय अत्याचार कहीं भी पूरे देश में होता है, मैं और मेरे साथियों द्वारा हर तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। बताओ लड़ी जाती है नहीं लड़ी जाती है? आप लोग हाथ उठा के बताओ। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं घर बैठ के सोया हूं और समाज को अकेले लड़नी पड़ी हो, आप बताओ पिछले 10 साल। तो भाई आप भी तय करो कि आपको ऐसा नेता चाहिए जिसका मुंह सिलावा हो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो सीबीआई इनकम टैक्स के डर से अपने समाज पे होने वाले अन्याय के खिलाफ भी ना बोले, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़े और जहां आपका पसीना पड़े वहां खून देने का काम करे। आपको तय करना पड़ेगा मेरे लोगों। मैं बिहार की धरती पे हूं, मैं यहां भी आपसे पूछने आया हूं कि क्या मैं आपकी वोट का अधिकार हकदार हूं या नहीं हूं, मुझे आप ये बताओ। या फिर आप ये कहो कि अभी और 10 साल चपले घिरते रहो, लांजे खाते रहो, मैं तो पहाड़ जैसा हौसला लेके आया हूं, पहाड़ जैसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ाई को लड़ने से नहीं रोक सकती है मेरे लोगों, याद रखना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, मैं मानवर काशीराम साहब का बेटा हूं। चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता कभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा भी संघर्ष आपसे कुछ मांगता होगा, मेरा भी संघर्ष मेरी माँ बहनों से कुछ उम्मीद रखता होगा। जब जो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ पैसे की और चुनाव की रिश्तेदारी आपसे रखते हैं, जब आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरे हाथ मजबूत करने में क्या बुराई है बताओ। अगर आप सब लोग अमीरों के साथ खड़े हो जाओगे तो बताओ किसी गरीब के बेटे में हिम्मत होगी कि वो लड़ पाए? ये जितने लोग मेरे
मेरे साथ बैठे हैं, मैं जानता हूं ये गरीब की औलादे हैं। और अब आज तक का इतिहास गवाह है, किसी अमीर ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी है। गरीबों ने अपनी लड़ाई अपने कंधों के दम पे लड़ी है, अपने पैरों पे लड़ी है, इतिहास गवाह है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, हम लोग गरीबी बेबसी लाचारी से जूझ रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी घी खा रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अमीरों के तो बात ही कुछ हो रहा है। मेरे लोगों, आजादी के 75 साल भी अगर आपको पक्के मकान नहीं मिले, इलाज के कमी के कारण अगर किसी का भाई बाप बेटा माँ बहन अगर दम तोड़ देती है, अगर पैसे ना होने के कारण कोई नौजवान उसके सपने कुचले जाते हैं, या जुर्म जाति के शिकार हम होते हैं, तो इसके जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम अपनी वोट को ऐसे लोगों को देने का काम करते हैं जो चुनाव के बाद हमारी बस्तियों में भी नहीं आना चाहते। आप ये देखना, अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया, ये भी नगर पंचायत है शायद, ये नगर पालिका हो। अब बहुत लोग आएंगे, ये मेरी माँ बहने बैठी हैं, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी दबाएंगे, आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, आपसे रिश्तेदारी भी निकालेंगे, आपको पैसे भी देंगे, मिठाई भी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। मेरे लोगों, याद रखना, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो। कब तक आप लोग इन लोगों पर भरोसा करते रहोगे? मेरी बहने यहाँ बैठी है पढ़ी लिखे, जो पढ़ी लिखी बहने मुझे जानती है वो हाथ खड़ा करे एक बार, जो मेरे संघर्ष को देखती है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुंह से बोल के बताओ, तब तक नहीं मानूंगा। तुम लोग चुप रहो, नहीं मात्र शक्ति को बोलने दो, मेरी बहने माए जवाब देगी। क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं है क्या? तो है तो फिर ये बताओ, अमीरों का साथ दोगी या अपने भाई का? बताओ, ये अमीर नहीं मिलेगा चुनाव के बाद, ये आपका गरीब भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। और जहां अन्याय प्रचार होगा, हाल तो याद रखो, जैसे जैसे मैं ताकतवर होता जाऊंगा, हमारा संगठन ताकतवर होता जाएगा, आपकी तरफ आग उठाने वाला एक एक हजार बार सोचने लग जाएगा कि वो गलती ना कर बैठे, क्योंकि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होने वाला है। अगर आप में राजनीतिक शक्ति ना है मेरे लोगों, तो वो होगा जो हाथरस में हुआ। और आप जानते हो कैसे कैसे लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे हाथरस की, तब जाके उस परिवार की न्याय की उम्मीद जगी, और किस तरह से सत्ता में बैठे गए लोगों ने न्याय को कुचलने का काम किया। मेरे लोगों, मेरी लड़ाई अगर है तो आपके लिए है। अगर एमपी बनना होता तो मैं अपने जिले में खड़ा होता, इस गलियों की धूल नहीं भाग रहा होता। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना कि देश में हमारा राज आए और हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, उसको मैं पूरा करना जरूर चाहता हूँ। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अधिकार आपके छीन लिए गए हैं, या जो संविधान आपको अधिकार देता है उसको लागू कराने की शक्ति जिन कुर्सियों में है, मैं बस आप लोगों को उन कुर्सियों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे लोगों, और याद रखो, जिस दिन आप उन कुर्सियों तक पहुंच गए, फिर आपको किसी का के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरे लोगों, आप ये बताओ, क्या तो मेरी लड़ाई में कोई कमी बताओ? मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा यहाँ, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बता देता हूं कि मेरे एक जिला प्रभारी को वहां एक माफिया ने, वहां उसके गुंडों ने गोली मार दी बिहार में, राकेश पासवान को, और यहां राजस्थान में कुकर राम मेघवाल को वहां के सामंत शाहियों ने उस मेरे बड़े भाई को पीट पीट के मार दिया। उनके बच्चे मेरा इंतजार देख रहे हैं। मेरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं आपका खून हूं। मैं कभी कभी मुझे वहां भी जाना पड़ता है आपके प्रोग्राम छोड़ के, जैसे मेरा कल प्रोग्राम सहारनपुर में था, बिजनौर में, उनसे हाथ जोड़े कि देखो भाई, मेरी जहां जरूरत है मैं वहां जाऊंगा। मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाया तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगा, क्या तुम मुझे कहो कि भाई आपकी लड़ाई में ये कमी है, आप इस लड़ाई को ठीक करो, और ये कहो कि भाई आपके अंदर ये कमी है, जब तक ये कमी दूर नहीं करोगे हम आपके साथ नहीं। या फिर जैसे हर माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाई का काम करने का अवसर दिया है, ऐसे फिर अपने इस भाई को भी काम करने का अवसर दो। अगर आप
मुझे अवसर देते हो तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर कितनी दिलचस्पी है आपकी लड़ाई लड़ने की। मैं आपका 60 साल का नेता नहीं हूं, याद रखना, जिसको एक बार के बाद आपके बीच में नहीं आना। अभी तो मुझे अगर मैं जिंदा रहा मां मानव के आशीर्वाद से तो मुझे अभी 30-35 साल इस राजनीतिक शक्ति के जरिए आपको अपने बाप के पैरों पर खड़ा करना है पूरे देश के अंदर। मैं वो भाई 5 साल वाला विधायक एमपी नहीं हूँ कि आके आपसे आपकी वोट लेकर चला जाऊंगा फिर आपकी गलियों में नहीं दिखाई दूंगा। मेरे लोगों, मैं तो आपसे कहने आया कि अगर आप मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हैं और आप मानते हैं कि मैं बाबा अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए निकला हूं, तो मेरे पास मेरा सहारा आपके अलावा कोई नहीं है। मेरे पास तो सुरक्षा भी नहीं है, मेरे पास तो यहाँ के विधायक पे भी गनर वनर होंगे, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं तो अकेला आता हूं या फिर आप सबका सहयोग है। मौत जिस दिन आएगी याद रखना कि मेरे चेहरे पे निराशा नहीं होगी, आपका भाई सम्मान से उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि संघर्ष में अगर मौत भी आएगी तो वो शहीद की होगी। लेकिन मैं आपके अधिकारों से समझौता नहीं कर पा रहा हूं देश में, क्योंकि आपके अधिकार ये जो प्रदेश में सरकार बैठी और केंद्र में, ये एक एक अधिकार रोज दिन हर दिन उस पर डाका डालने का काम कर रही है। उसका उदाहरण बताता हूं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं कि मेयर में हमारी 4 सीटें बैठती थी 21% आरक्षण के हिसाब से, कितनी सीटें बैठती थी, इन्होंने दी कितनी, 2। नगर पालिका में हमारी 42 सीटें बैठती थी, कितनी बैठती थी, इन्होंने दी कितनी, 27। नगर पंचायत में हमारी 114 सीटें बैठती थी, इन्होंने दी कितनी, 74। ये हमारे सारे अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, लूट रहे हैं, और क्योंकि सत्ता में बैठे इसलिए संरक्षण कर रहे हैं। मैं अपने लोगों के लूटते हुए अधिकारों को नहीं देख पा रहा, इसलिए आपसे कहता हूं कि आपसे साथ मांगने आया। अगर आपको लगता हो कि ये हमारा भाई हमारा बेटा हमारे लिए कुछ कर सकता है, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, तो मेरा साथ है। और अगर अभी भी मेरे अंदर कोई कमी हो तो मेरे आपका खून करता है, जब भी कहीं कोई अन्य अत्याचार होगा या अधिकारों के खिलाफ कोई संघर्ष होगा तो मैं तो आपको खड़ा मिलूंगा, आप भले ही मेरा साथ दो या ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करोगे यहाँ पिनाट में, सुमन लता को हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाए, आप इसकी मदद कराओगे सुमन लता की, देख लो सोच लो। कभी मैं ये फिट कर लूं दिमाग में कि भाई पिनाट में मुझे इज्जत और सम्मान मिलेगा, और जिस दिन रिजल्ट आए मेरा तमाशा बन जाए ऐसा ना हो, बताओ इसकी मदद करोगे नहीं करोगे। इसकी मदद नहीं होगी, इसकी मदद आपके बेटे की मदद होगी। ये एक आपके बीच का गरीब आदमी है, मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया है। मेरे लोगों, मैं चाहता हूं इस अमीरों की लड़ाई में कोई गरीब का बेटा भी आगे बढ़ के आए और वो अपने लोगों के स्वास्थ्य मान सम्मान की लड़ाई लड़े, बस ये लड़ाई है। क्योंकि अगर अमीर चाहते तो कोई गरीब नहीं रहता इस देश में। आप देखो अमीर वास्तविकता में अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। और अमीर भाई, मैं तो तुमसे ईमानदारी की बात बताता हूँ, देखो तुम्हें महसूस हो जाएगी तुम्हारा कोई अमीर रिश्तेदार होगा तो वो ये मना कर देगा कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, बताओ ऐसा होता है नहीं होता है। कई अमीर लोग कह देते नहीं, कह देते हैं किसी गरीब को कि हम नहीं जानते कौन है, कह देते हैं ना। तो गरीबी तो बहुत बड़ा अभिशाप है देश में। तो ये गरीबी कब खत्म होगी पता आपको, जब आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लोगे, जब आप मेरे हाथों को इतने मजबूत कर दोगे उत्तर प्रदेश में कि मैं अपने लोगों को घर से उठा उठा के सरकारी नौकरी देने लायक बन जाऊं, मैं अपनी बहनों माओं को प्राइवेट सरकारी और उसके बाद घर पे रोजगार देने लायक बन जाऊं, और जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन देने लायक बन जाऊं, और जिनके पास और तमाम तरह की सुविधाएं उनको सुविधाएं देने लायक बन जाऊं, और मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर गरीब को, वो किसी जाति धर्म का अगर उसको पढ़ना चाहता है गरीब बच्चा तो उसको फ्री पढ़ाई का अधिकार दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा। अगर वो अच्छा इलाज चाहता है तो उसको अच्छा इलाज दिलाने में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मैं एक ऐसा भागा कि पैसे की कमी के कारण मैंने अपने पिता को इन हाथों में दम तोड़ते देखा।
मैं नहीं चाहता कि कोई और बेटा अनाथ हो जाए इस वजह से उसकी जेब में पैसे ना। मैंने उस दिन तय किया था 11 जनवरी 2013 को कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं नहीं बचा पा अपने पिताजी को, लेकिन और कोई बच्चा अपने पिता बहन भाई को बेटे को ना खो दे। तब से लड़ रहा हूं, 10 साल हो गए बस, क्योंकि लोकतंत्र में सारी सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। जिस दिन आपने अपने खून के लिए एक बार बटन दबाना शुरू किया, याद रखना फिर मैं आपको जो फिर मैं जो करना चाहता हूं उससे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आयोजक कमेटी को, धन्यवाद उस ऐतिहासिक मूर्ति के लिए, पिनाक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बस सिर्फ पूजना नहीं, उनके विचारों पर भी चलना, ठीक है। शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, और नौजवान लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी बहुत सारी टी शर्टें देखी रास्ते में आते थे, खटीक जाकर चमार सब देखी, तुम याद रखना तुम एक हो। और मेरे लिए याद रखना, मेरा संदेश है कि पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है, तुम मेरा खून हो, तुम्हारी तरफ उठने वाले हर आम के को जवाब देने के लिए आपका भाई है, ये बात याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।